दोस्तों सीएसके और केकेआर के बीच खेले गए आईपीएल 2022 के पहले मुकाबले में केकेआर की टीम ने सीएसके की टीम को इस लो स्कोरिंग मुकाबले में 6 विकेट से हराकर आईपीएल के इस सीजन में अपनी धमाकेदार शुरुआत कर दी। लेकिन मैच के दौरान एक ऐसा वाकया देखने मिला जब श्रेयस अय्यर और शेल्डन जैक्सन रॉबिन उथप्पा से भिड़ गए और इस दौरान श्रेयस अय्यर की रॉबिन उथप्पा के साथ बहस भी हो गई। दोस्तों ऐसा क्या हुआ इस दौरान, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन उसके पहले क्रिकेट और आईपीएल की सभी लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों सीएसके की बल्लेबाजी के 8वें ओवर में जब गेंदबाजी कर रहे थे वरुण चक्रवर्ती और बैटिंग क्रीज पर थे रॉबिन उथप्पा। इस दौरान जब उथप्पा बल्लेबाजी के लिए तैयार हो रहे थे तब केकेआर के विकेटकीपर शेल्डन जैक्सन ने उनके साथ स्लेजिंग करना शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच बहस भी होने लगी। और फिर ओवर की लास्ट बॉल पर शेल्डन जैक्सन ने तेजी से स्टंपिंग करके रॉबिन उथप्पा को पेवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद जब रॉबिन उथप्पा आउट होकर पेवेलियन की ओर जा रहे थे तब किसी बात की वजह से श्रेयस अय्यर की रॉबिन उथप्पा के साथ बहस होना शुरू हो गई, जिसे ऑनफील्ड अंपायर ने बीच में आकर खत्म करवाया और मैच को कंटिन्यू किया।